सो फाइनली मैं बीच पे पहुंच गया हूँ और नज़ारा, अरे भाई साहब क्या नज़ारा है ये देखो, ओए होए 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 क्या नज़ारा है भाई साहब। काफ़ी घना जंगल है, जंगल एक्चुअली शुरू हो चुका है, काफ़ी घना है। पानी इतना क्लियर मैंने कभी नहीं देखा, मतलब देखा है इंडिया में कहीं नहीं देखा है। कमाल है भाई कमाल है कि जंगल में पीछे से झाड़ियों से आवाज़ आए तो मुड़ के नहीं देखा करते। तो ये मेरा मैंग्रोव का भी पड़ाव पार हो रहा है। सो अच्छा ये भी हुआ कि बारिश बंद हो गया। अभी मेरा प्लान था ट्रैकिंग करने का, मैं एलिफेंट बीच की तरफ ट्रैक करके जाने वाला था, तो रास्ते में ही बारिश होने लगी तो मैं इस स्टॉप पे रुक गया और थोड़ा सा नारियल पानी पी रहा था, टाइम पास कर रहा था, और निकलने वाला ही था कि फिर से एक बार बारिश शुरू हो गया। तो फाइनली थोड़ा सा बारिश कम हुआ और क्लाउड अभी भी दिख रहा है। ये नारियल पानी मैंने पिया, यहाँ पे 30 रुपीज़ मैंने दिया, 30 रुपीज़ का नारियल पानी, पानी काफ़ी मीठा था ये तो मानना होगा। अब मैं चलता हूँ आगे एलिफेंट बीच की तरफ। ओके, ये जो वीडियो है ये ट्रैकिंग का वीडियो है, आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं अंडमान्स में अगर आप आते हैं हैवलॉक आइलैंड। तो ट्रैकिंग मैं कहाँ से शुरू करता हूँ और ये ट्रैकिंग का जो पूरा इन्फॉर्मेशन है मैं देता हूँ, ये वन ऑफ द एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो। तो चलते हैं उस तरफ जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। सो लेट्स गो। सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ एलिफेंट बीच का जो ट्रैकिंग पाथ है, जहाँ पे जाता हूँ ट्रैकिंग मिली जाती है। एक और नया ट्रैकिंग करते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली ट्रैकिंग तो नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पे तो हिल ट्रैक्स नहीं है, यहाँ पे आप कह सकते हैं ट्रेल बना हुआ है, उस ट्रेल पे आपको जाना होगा। इट विल टेक टाइम लाइक 30 मिनट 30 मिनट के आसपास का ये ट्रैकिंग है और यहाँ से ट्रैक करके मैं जाऊँगा एलिफेंट बीच। एलिफेंट बीच यहाँ से दूर नहीं है। तो ये जो रास्ता है ये राधा नगर वाला रास्ता है, इस तरफ अगर आप जाओगे तो राधा नगर बीच है और इस तरफ बाएँ तरफ अगर आप कट लोगे तो ये है एलिफेंट बीच। यहाँ पे आप अपने स्कूटी स्टैंड कर सकते हैं, स्कूटी पार्क कर सकते हैं और ठीक वो जो रास्ता है उधर से आप एलिफेंट बीच की तरफ ट्रैक करके जा सकते हो। टाइमिंग जो है सुबह 7 बजे से दोपहर को 1 बजे तक का है और इसके अगर बाद जाओगे तो आपको परमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि मैं कल आया था और कल मैं घूम के वापस चला गया। फाइनली भी मैं यहाँ पे हूँ और अपना ट्रैक को स्टार्ट करता हूँ। शॉप्स में आप अपना पानी का बॉटल या बिस्किट या कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो और यहाँ पे शायद नाम रजिस्टर कराना पड़ता है। डेट कब का ये? अब देख लीजिए 4 फरवरी। ये तो हम तो खुद नहीं बनाता, ये तो कंपनी का। ये स्प्राइट कितने का? 50 का। एक स्प्राइट दे दीजिए। ठंडा? हाँ ठंडा दे दीजिए। थैंक यू सर। मैंने कि ये स्प्राइट लिया 50 रुपीज़ का, हाई है बट कोई बात नहीं। सो फाइनली मेरा ट्रैक स्टार्ट होता है जंगल के बीच से और ट्रेल बना हुआ है, ट्रेल पे आप फॉलो करके जा सकते हो। टाइम ज़्यादा लगने वाला नहीं है और हम जैसे लड़कों के पाँव से तो और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हार्डली 25 मिनट। कल मैं जब आया था तो दोपहर को जब आया था तो मैं आने का कोशिश किया अंदर लेकिन मुझे परमिशन नहीं मिला। परमिशन क्यों नहीं मिला? क्योंकि अंदर एलिफेंट्स बहुत सारे हैं तो दे माइट बी डेंजरस, दैट्स वाई मुझे परमिशन नहीं मिला। और ये जो एरिया है ये एक्चुअली एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बीच से आपको जाके होके जाना पड़ता है और ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको परमिशन नहीं देती 1 बजे के बाद जाने का। तो आप अगर प्लान करते हो तो 1 बजे के पहले प्लान कर लो, खुलती है 7 बजे, वहाँ पे बस नाम रजिस्टर कराओ और बस निकल पड़ो ट्रैकिंग की ओर।
ट्रैकिंग वाला रास्ता ही है। चलो सर, यहाँ पे 70% लोग, 100% लोग तो हिंदी बोलते हैं बट 70% लोग बंगाली में बात करते हैं। आप चाहे तो गाइड भी ले सकते हैं, यहाँ पे गाइड अवेलेबल है। जहाँ से मैंने ट्रैकिंग शुरू की वहीं पे गाइड बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं। गाइड आप ले लो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो। अगर आप घुमक्कड़ टाइप के इंसान हो तो गाइड मत लो, क्योंकि हम अपना गाइड खुद हैं। मुझे एक पौधा दिख रहा है। किसका पौधा दिखा रहा है? पाइन एप्पल का। मैं दिखाता हूँ, अभी पीछे झाड़ी से कुछ आवाज़ आ रही थी तो मैंने मुड़ के नहीं देखा। क्यों नहीं देखा पता है? क्योंकि जंगल में पीछे से झाड़ियों से आवाज़ आए तो मुड़ के नहीं देखा करते। शायद आपको ये डायलॉग याद होगा। याद होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप मेरे टाइप के इंसान हैं। अगर नहीं याद है तो माफ़ कर देते, आपको माफ़ कर दिया जाए। फाइनली एलिवेशन है नीचे की तरफ। एक शुरू शुरू में ऊपर की तरफ चल रहा था, अब नीचे की तरफ। और बारिश के कारण मिट्टी थोड़ी सी गीली हो गई है तो थोड़ा सा फिसल रह पाऊँ। मेरे जूते का थोड़ा ग्रिपिंग अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ये पीछे एक लकड़ी का ब्रिज है, इसको मैंने पार किया। देखते हैं नाम, तो बीच का नाम है एलिफेंट बीच। वहाँ पर एलिफेंट रहता है कि नहीं, लेट्स सी। याद है मेरे ज़िंदगी का सबसे पहला ट्रैकिंग था जुकू वैले का ट्रैकिंग। जुकू वैले एक्चुअली है कहाँ पे? नागालैंड में। ये नागालैंड में है जुकू वैले, और समझ में नहीं आ रहा, दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। अगेन कन्फ्यूज़न है कहाँ से जाना चाहिए। देखता हूँ, एक फैमिली पीछे आ रही है, उनके पास एक गाइड है, वो गाइड ही ले जाएगा तो मैं फॉलो कर लूँगा। काफ़ी घना जंगल है, जंगल एक्चुअली शुरू हो चुका है, काफ़ी घना है। भाई साहब, मैं तो रिकमेंड करता हूँ आप ग्रुप में ही ऐसे ट्रिक कीजिए, अकेला तो मत आइए, क्योंकि काफ़ी घना जंगल है। इतना घना जंगल है कि 2-3 फुट के बाद ही कुछ नहीं दिख रहा है। और एक ट्रैकिंग मैंने करी थी नेपाल में। नेपाल में मैंने ऑस्ट्रेलियन कैंप का ट्रैकिंग किया था। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक है, उसे आप देख लीजिए। वो मॉडरेट ट्रैकिंग था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। यहाँ पे एक पाथ है जिसको आपको कीचड़ होके पार करना होगा, जो कि मेरे लिए थोड़ी मुश्किल बात है। व्हाट टू डू, ये देखो एक मैनग्रोव है, ये मैनग्रोव कह सकते हैं, मैनग्रोव है। मे भी जब हाई टाइड रहता है तो पानी यहाँ तक आ जाता है, और पानी वहाँ तक अभी है तो इस कीचड़ से होके पार करना होगा। एनीवे
मैं थोड़ा यहाँ पे रेस्ट लेता हूँ। फाइनली मैं इस मैंग्रोव में अंदर आ चुका हूँ। मुझे थोड़ा और उस तरफ जाने का मन कर रहा है, मछलियाँ है यार यहाँ पे, थोड़ा और अंदर जाता हूँ। छोटे छोटे क्रैब भी हैं। अभी पड़ाव पार हो रहा है। सो अच्छा ये भी हुआ कि बारिश बंद हो गया, क्योंकि अगर बारिश रहती तो प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा आती। पानी अब थोड़ा सा पानी का लेवल बढ़ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो फाइनली मैं बीच पे पहुंच गया हूँ और नज़ारा, अरे भाई साहब क्या नज़ारा है ये देखो। ओए होए 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 होए, क्या नज़ारा है भाई साहब। काफी खूबसूरत है, कमाल है, कमाल है ब्रो। पानी इतना क्लियर मैंने कभी नहीं देखा, मतलब देखा है, इंडिया में कहीं नहीं देखा है। कमाल है भाई, कमाल है।